नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं नेशन भारत न्यूज। पटना के बोरिंग रोड में आईआईटी की तैयारी करने वाली संस्थान वर्टेक्स एजुकेशन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। संस्थान के निदेशक श्रीराम पांडे ने बताया कि 9 जनवरी और 30 जनवरी को संस्थान की तरफ से स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया जाएगा और जिला राज्य स्तर पर रैंक लाने वाले छात्रों को नगद पुरस्कार भी संस्थान की तरफ से दिया जाएगा। देखिए, वर्टेक्स एजुकेशन जो क्वालिटी एजुकेशन है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उसके लिए काम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर जो फैकल्टी जुड़े हुए हैं, जो टीचर्स जुड़े हुए हैं, वो आईआईटी से पढ़े हुए लोग हैं और काफ़ी हाईली एक्सपीरियंस्ड हैं। 20 ईयर्स या उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले टीचर्स हैं और इन्होंने देश के कई संस्थानों में काफ़ी लंबे समय से काम किया है और काफ़ी जो है रैंकर्स को, स्पेशली आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस में काफ़ी रैंकर्स को प्रोड्यूस किया है। और अभी एक साल होने वाला है हमारा 21 दिसंबर को, और ये जो प्लेटफॉर्म बना उसका उद्देश्य है कि यहाँ जो बिहार के स्पेशली जो छात्र हैं या छात्राएं हैं, वो यहाँ पटना में रहकर एक उत्कृष्ट स्तर की, एक उत्तम स्तर की तैयारी कर सकें। और ये जो किस चीज़ की तैयारी होगी, तैयारी जो है ये आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी, जिससे कि छात्र जो हैं देश के कई जो आईआईटीज़ हैं, कई जो एनआईटीज़ हैं या जो अदर काफ़ी जो प्रेस्टीजियस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे उनको एडमिशन मिल सके। और टेस्ट और को लेकर क्या कुछ बताना चाहिए? अब क्या है कि ये जो तैयारी के लिए बच्चों को प्लेटफॉर्म मिलना है, उसके लिए हम लोगों ने एक टेस्ट रखा है, उसका नाम है VSAT, वर्टेक्स एजुकेशन स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। और ये परीक्षा होने वाली है 9 जनवरी को और 30 जनवरी को 2022। और ये परीक्षा जो है पूरे हम लोग राज्य स्तर पर, बिहार राज्य स्तर पर आयोजित कर रहे हैं। अभी बिहार राज्य के बाहर हमें कैसे जाना है आने वाले समय में, हम लोग इसको डिसाइड करेंगे, लेकिन अभी पूरे बिहार राज्य स्तर पर ये परीक्षा होगी। और इस परीक्षा में हम लोग बच्चों को जो एडमिशन लेंगे उनको स्कॉलरशिप दे रहे हैं, और ये स्कॉलरशिप जो है 10 करोड़ तक की होगी, अप टू 10 करोड़। और साथ ही साथ जो एडमिशन नहीं भी लेंगे, लेकिन अगर वो राज्य स्तर पे जो हमारे अलग अलग कोर्सेज के लिए एग्ज़ाम होंगे उसमें अगर रैंक लाते हैं, टॉप 3 रैंक, टॉप 10 रैंक तक भी आते हैं, या जिला स्तर पे जो टॉप 3 रैंक लाएंगे अलग अलग जिला स्तर पे, उन सभी को हम जो है रिवार्ड देंगे, नगद पुरस्कार देंगे। वो हमारे अगर संस्थान के साथ जुड़ते हैं तो हमें और खुशी होगी। हम चाहेंगे कि वैसे छात्र हमारे संस्थान के साथ जुड़े और वो अपने जीवन में जो एक उत्तम शिक्षा है उसको प्राप्त करें और उसके माध्यम से वो वहाँ तक पहुँचे, जैसे IITs हैं, NITs हैं। लेकिन अगर वो नहीं भी जुड़ते तब भी उनको हम कैश रिवार्ड देंगे, नगद पुरस्कार देंगे, अगर उनका प्रदर्शन, उनका परफॉर्मेंस इस VSAT में उस स्तर का होता है, वो जिला में अगर टॉप 3 रैंक में आते हैं या राज्य में टॉप 10 रैंक तक आते हैं, तो हमें उनको कुछ ना कुछ नगद पुरस्कार देना है।
इसमें नगर पुरस्कार की जो सीमा है हमारी है ना, जो टॉप रैंक आने वाले उनके 20,000 रुपये तक की है, और भी जो अलग अलग रैंक में आने वाले हैं छात्र उनको और भी हम लोग ज़्यादा पुरस्कार देंगे, ठीक है। और कुछ अगर अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए नेशन भारत न्यूज़। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।